सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए। तो भाई आज आपसे एक मैं व्लॉग शेयर करने जा रहा हूँ। मतलब ये कल मैंने शूट किया था और ये सडनली हो गया एकदम। मतलब कल एक पैरट का बच्चा हमारे घर में आ गया और ना उसके चोट लगी हुई थी, उसके पीछे कुछ बर्ड्स पड़े हुए थे तो उसको चोट लगी थी। तो आपको वही देखने के लिए मिलेगा इस व्लॉग में कि मैंने उसको कैसे रखा और उसमें मतलब मैंने उसको क्या खिलाया पिलाया और उसको अपने पास अभी रखा हुआ है या मैंने उसको आज़ाद कर दिया, तो वो आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। मैं तो भाई डर गया था, मैं सो रहा था और मेरे कमरे में ऐसे यहाँ से आया और मैंने ऐसे देखा भाई ये क्या उड़ रहा है ऐसे ऐसे ना, बहुत बहुत अजीब सिचुएशन थी। तो वो आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो देखना ज़रूर, अच्छा लगेगा। यहाँ से आया था वो, यहाँ से ऐसे और इधर मेरे रूम में आके, तो देखना ज़रूर ब्लॉग, ठीक है। सो भाई अभी ना मैं सो रहा था और सोते सोते बीच में उठा, क्यों? क्योंकि मम्मी की बहुत बहुत तेज़ आवाज़ आई बाहर से कि काकू काकू ये देखिए 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 देखिए। तो मेरा घर का नाम काकू है। तो भाई ये देखो, ये अपना एक पैरेट आके बैठ गया अपने घर पे और ये अंदर आ गया था रूम में, मैंने अंदर इसको पकड़ लिया। ये बच्चा है और मैंने इसको उड़ाने की कोशिश की, ये उड़ नहीं रहा है, ये वैसे ही बैठा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको क्या करूँ, उड़ाऊँ या इसको अपने पास रखूँ, देखते हैं। इसको अपने पास रखता हूँ, इसको एक दो महीने बाद उड़ाऊँगा जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है इसके पीछे कोई पड़ा हुआ था शायद, इसलिए ये मेरे पास आया बचाने कि मुझे बचाओ। बच्चा ही है। तो ये पैरेट भाई मैंने अभी हाथ पे बिठाया, बहुत रिस्क लेके इसने मेरे ना इधर काट भी लिया है और इसके पाँव है ना जो मतलब बहुत नुकीले हैं, इसके नाखून है ना जो बहुत तेज़ हैं इसके। तो अभी मैंने अपने हाथ पे बिठाया हुआ है ऐसे कुछ करके रुमाल रुमाल लेके ना, और ये ना उड़ नहीं रहा है, मुझे लगा शायद इसके चोट चूट लगी है कहीं पे। बाकी मैंने उड़ाने की कोशिश की है, आज मैं इसको पूरा दिन ना अपना इधर बाहर छोड़ूंगा, अपने जो बेड़ा है जहाँ से ये आया उड़ के गैलरी में से, तो इसको मैं वहीं पर छोड़ूंगा। अगर ये उड़ गया तो ये ठीक है, मतलब अपने आप चला जाएगा कहीं पर। अगर ये नहीं उड़ा तो मैं इसको एक महीना या थोड़े दिन जब तक ये उड़ नहीं पाता तो मैं इसको अपने पास रखूँगा और इसको खिलाऊँगा पिलाऊँगा जिससे उड़ने की इसके अंदर शक्ति आ जाए। ये भी बच्चा है, ध्यान से देखो, ये ना अभी बच्चा है, छोटा है ये भी बहुत, ये बच्चा है अभी, बड़ा नहीं है ज़्यादा। बाकी टेल इसकी बहुत बड़ी है, ऐसा वैसा तोता नहीं है ये। और ये पैरेट है ना, ये नस्ल वाला पैरेट है जिसके इधर वो होता है ना कुछ, ये जो बना होता है तो ये कोई नस्ल वाले पैरेट होते हैं, मैंने ऐसा कुछ सुना है। तो अभी इसको टमाटर और मिर्च खिलाते हैं और पानी पूनी खिलाते हैं, फिर देखते हैं। बटे तो खा ही नहीं रहा, आजा बैठ जा इस पे। तो भाई ऊपर मत आ, ऊपर मत आ, ऊपर मत आ भाई, ऊपर मत आ, ऊपर मत आ भाई मेरे ऊपर, बस नीचे रह। तो अब मैं इसको बाहर छोड़ूंगा, देखता हूँ ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, पानी वगैरह रख दूंगा इसके पास, अगर उड़ता है तो ठीक है, अगर नहीं उड़ेगा तो फिर ये हमारे पास रहेगा, ये हमारा गेस्ट है तो हम इसको हट्टा कट्टा करके फिर इसको उड़ाएंगे, ठीक है मिट्टू भाई, कोई टेंशन नहीं लेने का है, अब उनके घर में तू मेहमान है, ठीक है इसका। तो अभी मैं इसको बाहर बिठाता हूँ, देखता हूँ अगर ये उड़ता है तो, अगर नहीं उड़ेगा तो फिर हम इसकी सेवा करेंगे और फिर इसको बाद में आज़ाद कर देंगे, उड़ा देंगे। बाकी ये भी बच्चा है, बाकी ये कौन है भाई, यार तेरे को समझ में आना चाहिए मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुझे कोई हार्म नहीं कर रहा हूँ। समझो बेटा, समझो बात को, रिलैक्स।
भाई रिलैक्स करने के लिए बोला है, उंगली आ ही गई थी हाथ में, बच गई भाई। स्लो मोशन में दिखा दूंगा आपको। तो भाई मैंने इसको बिठा दिया बाहर, और ये रहा हमारा मिट्ठू भाई। तो हमने इसको इधर बिठा दिया है, तो ये आराम से यहाँ से उड़ जाएगा। बहुत खुला हुआ आसमान है, काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है, आराम से उड़ सकता है अगर इसको उड़ना होगा तो। ये देखो भाई मेरे कितने नाखून मारे इसने, पैरट ने, इसलिए मैंने वो रखा हुआ था। इसको यहाँ पे बिठा देते हैं और इसको बार बार चेक करते भी रहेंगे कि भाई उड़ा है या नहीं उड़ा है, ठीक है। बाकी करते हैं आपसे बात, देखते हैं क्या होता है इससे। अभी थोड़ा इससे बातचीत करते हैं, इससे दोस्ती करते हैं अपनी ना। मैं तो सो रहा था यार, सोते सोते उठा, मैं कहा भाई ये कौन आ गया ऐसे उड़ता हुआ घर में आ रहा है। मैं कहा भाई ये क्या गिर रहा है तो नहीं कुछ, मतलब बहुत चीज़ें होती है ना नींद में, बंदे को पता नहीं होता, होश नहीं होता कि क्या चीज़ है ये क्या चीज़ नहीं है। तो तोता था, पैरट तोता। तो अब इसको बाहर बिठा दिया है, उड़ना होगा उड़ जाएगा, हमारे पास रुकना होगा तो हमारे पास रुक जाएगा, फिर इसको खिला पिला के आराम से उड़ा देंगे भाई। हमारे पैरट को भाई सचिन मिलने आया भाई। ये देखो भाई फैन आ रहे हैं भाई इसके। और ये हमारा जो पैरट है, ये हमें पता लगा कि ये पाकिस्तान से आया है, क्योंकि ये हरे कलर का है ना। ये इसने बताया मेरे को, सचिन ने, ये कह रहा है ये हरे कलर का भाई, ये पाकिस्तान से आया है। देख लो भाई कैसे कैसे इंसान है। तो भाई अभी भी मैंने बाहर देखा, जो मेरा पैरट था, मतलब मेरा नहीं, जो आया था उड़ के, तो वो इधर बैठा हुआ था इस जगह पे, इसके ऊपर। तो मैंने हल्का से ऐसे हाथ लगाया, वो ना डर के मारे ना उड़ गया। तो वो ना नीचे नीचे ही उड़ रहा था, मतलब वो अभी उड़ नहीं पा रहा प्रॉपर, बट वो उड़ के ना वो उन किसी पेड़ पे जाके अंदर बैठ गया वो जाके अब। तो भाई सही सलामत रहे वो, और मतलब अपना बचा रहे, उड़ गया। वैसे अगर इधर आना चाहे तो वो दोबारा आ सकता है, ठीक है यार। मैंने सोचा था कि उड़ेगा नहीं वो, बाकी वो उड़ गया, मतलब इतना खास नहीं उड़ पा रहा था वो, थोड़ा थोड़ा उड़ रहा था। तो भाई इधर ही गया बस, ठीक रहे थोड़ा, कुछ हो ना उसको, बाकी सब सही है। उड़ गया तो आज़ादी करना था, वैसे भी हमने फ्री करना था उसको। तो चलो ठीक है, जैसा भी है।